देखा बात साहब खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। दुनिया वालों की तरफ से एक बहुत सुंदर सा गीत आया है। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई खुशी का मेरे आंसुओं से देखिए। कलकत्ता में जो घटना हुई ऐसा ही केस एक बहुत समय पहले गुरुदेव निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था। महिपाल पर उस समय जो सरकार थी समूचा भारतवर्ष एकत्रित हो गया था, सभी ने आवाज उठाई थी ऐसे जघन्य अपराध के लिए कोई कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। और वही आवाज क्योंकि दृश्य देखा टीवी पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से उस लड़की के साथ कितनी दरिंदगी की गई, हृदय भराया कभी के भाव सुनिए, कभी करुणा में नहीं लिख रहा कभी आक्रोश में लिख रहा है। एक एक पंक्ति पर विचार कीजिए गुरुदेव। और मेरा कहना सीधा सीधा उन हुक्मरानों से है जिनकी सत्ता पश्चिमी बंगाल के अंदर है। रावत जी सरकार में इतना दम होता है 24 घंटे के अंदर आरोपी को सरकार कटघरे में खड़ा कर सकती है। अगर यह घटना उत्तर प्रदेश की होती तो अब तक एनकाउंटर हो गए होते। सत्य कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अब सुनिए मेरे विचार, अगर सही हो तो आप लोग तालियां रूपी आशीर्वाद दे देना। सुनिएगा पंक्ति में आइए, हाथ जोड़कर के निवेदन है, बड़े ध्यान पूर्वक और भाव के साथ सुनेंगे। कहा के ममता
बीमारी है और जिस जगह पर यह दरिंदगी हुई वहां की मुख्यमंत्री भी नारी है, तो सोचने का विषय है भैया जी, ध्यान देंगे सभी लोग कि ममता में ममता नारी कैसा है ये जंगल राज, अरे मानवता मर गई, शर्मसार है सभी जने, मानवता मर गई यार। भाई जनता जितनी भी है नरेश भैया, जितनी भी जनता है, शब्द ऐसे डालने का प्रयास किया है, एक एक व्यक्ति एक स्वर में समर्थन करेगा मेरी लाइनों का, सुनना पहले। कहा न्याय मिले उस व्यक्ति को, ये क्रांति हृदय में जगा दी है, जहां बहन बेटियां ना हो सुरक्षित तो फिर हम कैसे माने आ जाए, जहां बहन बेटियां ना हो सुरक्षित तो फिर कैसे माने आजादी है। बहना है बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे मेरे बुजुर्गो, कलंकित हुआ है, कलंकित हुआ है, अरे कलंकित हुआ है वो कलकत्ता, कलंकित हुआ है वो कलकत्ता, आत्मा तुम्हारी सोई, आत्मा तुम्हारी सोई, इसको जगा दो। देवेंद्र बाबू साहब एक एक व्यक्ति की तालियां देखना, तुम्हारा से बेटे कलंकित हुआ है, कलंकित हुआ है वो कलकत्ता, मुर्दे कलंकित हुआ है वो कलकत्ता, आत्मा तुम्हारी सोई उसको जगा दो, आत्मा तुम्हारी सोई उसको जगा दो। और अगर मेरी लाइन आपको समझ में आए और ये लगे कि बच्चा सही कह रहा है तो मेरे साथ बुलवा देंगे एक बार, अरे आत्मा तुम्हारी सोई, आत्मा तुम्हारी सोई इसको जगा दो, आत्मा तुम्हारी सोई इसको जगा दो, जो दोषी है उनको फांसी लगा दो, एक बार हाथ उठा करके बताइए मैं सही कह रहा हूं या फिर गलत कह रहा हूं। हाँ जी भैया, आत्मा तुम्हारी सोई इसको जगा दो। और एक बार आवाज आनी चाहिए क्योंकि यहां पर कैमरा चल रहा है उसमें रिकॉर्ड होनी चाहिए आवाज, अरे आत्मा तुम्हारी सोई इसको जगा दो,
जो दोषी है उनको, अरे जो दोषी है उनको फांसी लगा दो, दोषी भैया जी डॉक्टर थी कितनों की, डॉक्टर थी कितनों की जिंदगी चाली, डॉक्टर थी कितनों की जिंदगी बचाई। अरे मलाल एक बात का है, डॉक्टर थी कितनों की जिंदगी बचाई, पर दो बेटी जिंदगी की चंग जीत नहीं पाई, दो बेटी जिंदगी संग जीत नहीं पाई, दो बेटी जिंदगी की चंग जीत नहीं पाई, बेटी जिंदगी की चंग जीत नहीं पाई, शांत क्यों पड़ी है, शांत क्यों पड़ी है बंगाल की सत्ता, शांत क्यों पड़ी है वो बंगाल की सत्ता, बेटी के लिए सब, अरे बेटी के लिए तुम सब, अरे सत्ता हिला दो, बेटी के लिए तुम सब सत्ता हिला, जारी भारत में जारी ऐसा फरमान कर दो, भारत में जारी ऐसा फरमान कर दो, और उन दरिंदों को सजाए मौत का ऐलान कर दो, इसलिए क्योंकि कोई भी धरना किसी की बेटी की आबरू इज्जत पर हाथ डालने से पहले सोचे, सजाए मौत का अब तो ऐलान कर दो, दुष्टों का ताको, अरे दुष्टों का ताको जीवन का पत्ता, दुष्टों का ताको जीवन का पत्ता, एकता की शक्तियों को, एकता की शक्तियों का सबको बता दो, जो दोषी है उनको फांसी लगा दो। हालत देखने तो से, हालत देखने तो बहे अश्रु धारा, ये हालत देखने तो से बहे अश्रु धारा, बहे नेत्र धारा, बहन आपको न्याय मिले, उस बहन आपको न्याय मिले, ये फर्ज है हम फर्ज है हमारा।
कानूनी हक